अस्सलाम वालेकुम, चटपटा मसाला में खुश आमदीद। आज की हमारी रेसिपी है रशियन सैलड। इसको कैसे तैयार किया जाता है, चले आए देखें। रशियन सैलड बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें मैंने फ्रूट्स ले लिए। फ्रूट्स आपकी चॉइस है, आपने जो कौन सा मर्ज़ी फ्रूट लेना है, सीजनल जो आपको अवेलेबल है ले लें। मैंने एप्पल ले लिया है, वैसे एप्पल मोस्टली डलता है, और साथ में आड़ू ले लिए। बनाना मैं नहीं डालूंगी क्योंकि वो ब्लैक हो जाते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा चुटकी सिर्फ सॉल्ट डालूंगी कि फल हमारे काले ना हो जाए, ठीक है। और मैंने क्रीम ले ली है, आप किसी भी अच्छे से ब्रांड की क्रीम ले लें। साथ ही 1 टेबल स्पून मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी, और साथ ही मैं इसमें चुटकी, बिल्कुल चुटकी काली मिर्च ऐड करूंगी, ठीक है। सॉल्ट हम ऑलरेडी अपने फ्रूट्स को लगा चुके हैं, हमने अच्छे तरीके से सिर्फ इसको क्या करना है, मिक्स करना है कि हमारी शुगर इसमें जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। और साथ ही हमने क्या करना है जी, इसमें हम अब अपनी चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे। अपनी क्रीम के अकॉर्डिंग आप इसमें सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैंने फ्रूट्स जो आपको बताए थे मैंने वो ले लिए थे, और मैं उस वो ऐड करूँगी। मैंने पास्ता बॉईल करके रखा था, मैंने स्पैगेटी और पास्ता किसी भी शेप का आप ले ले, वो बॉईल करके रखा था, मैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का पास्ता आप इसमें ऐड कर दें, ठीक है। 3-4 शेप्स मैंने ले ली थी और वो मैंने इसमें ऐड कर दी। और साथ ही हम पाइनएप्पल लेंगे, पाइनएप्पल जूस डालूंगी मैं इसके अंदर थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं इसमें पाइनएप्पल डाल दूंगी। पाइनएप्पल के चंक आप बड़े रखना चाहते हैं, छोटे रखना चाहते हैं, हम लोगों को, मैं बड़े छोटे दोनों मिक्स डाल दूंगी, ठीक है। पाइनएप्पल डाल दिया हम लोगों ने। अब इसमें चॉइस है आपकी, आप लोगों के घर में ज़्यादा खाया जाता है तो आप ज़्यादा यूज़ कर लें, कॉकटेल डाल लें, चॉइस है, ठीक है। कॉकटेल नहीं इतना पसंद किया जाता मेरे घर में, इसलिए मैं पाइनएप्पल ही डालती हूँ। पाइनएप्पल इसमें डालूंगी और अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे, और हमारी रशियन सैलड इजी और क्विक रेसिपी में तैयार है। लोग वैसे बहुत बहुत कुछ डालते हैं, बट ये इजी और सिंपल वे है, और कुछ चीज़ें बच्चे भी पसंद नहीं करते, फैमिली में लोग भी पसंद नहीं करते। ये फ्रूट सैलड, रशियन सैलड ऐसे ही खाई जाए, ऐसे ही रखी जाए तो मज़े की लगती है, ठीक है। अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं इसमें खजूरें ऐड करूंगी, अच्छे तरीके से मैंने इसको अपनी क्रीम की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, मैंने एक पैक लिया था क्रीम का, उसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, ठीक है। साथ ऊपर फॉर डेकोरेशन आप पाइनएप्पल रख सकते हैं, ठीक है, चॉइस है, जितना भी आप रखना चाहें। रशियन सैलड हम लोगों की बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।